हरे कृष्ण थे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है, आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा एज यूजुअल मेरे बाकी वीडियोस की तरह, कि मैं बात करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना इंपॉर्टेंट है आपको। और राइट, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हो, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 3 बजे से लेके 5 बजे तक, या फिर सूर्योदय से पहले 2 घंटे का वक्त, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आप में वो क्या चेंजेस आते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं माय फ्रेंड्स, बहुत सारे, बट इस वीडियो में मैं कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही कवर करूंगा। ऑलराइट, अगर आप नहीं उठते हो सुबह, आप बहुत लेट उठते हो, तो आज से आप शुरू कर लो जल्दी उठना, आज से या फिर कल से। आज जो कर लिया आपने कर लिया, जितना बजे उठना था उठ लिया, अब कल से जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। ऑलराइट, इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बट आज मैं कवर करूंगा कि मतलब मेन मेन बेनिफिट्स कौन से हैं जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, जो मेरे साथ मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ घटित हुआ है। ऑलराइट, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को। ऑलराइट, और मेरे बाकी जितने वीडियोस हैं आप उनको जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसे। ठीक है, आप ऊपर आई लिंक में भी देख सकते हो, आ रहा होगा आई लिंक में भी, आप जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हो और मेरे चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करना और प्यार देना। ठीक है, मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हो तो। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त सुनने से लगता है कि भगवान का जो मुहूर्त है, भगवान का टाइम, मतलब इस समय इस पृथ्वी में, इस जो मृत्यु लोक है, इस पृथ्वी में देवताओं का वास रहता है। मतलब सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक, मतलब जब तक सूरज उगता नहीं है उसके पहले तक, उसको अमृत वेला भी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं। तो आज से 4,000-5,000 साल पहले जो ऋषि मुनि लोग उठते थे, और द्वापर युग के जो कृष्ण भगवान के युग थे, तो उस युग में जो लोग जल्दी उठते थे तो वो कितने शार्प थे, कितने बलवान थे, कितने सुपर ह्यूमन थे। तो बात यही है कि वो सुबह उठते थे, ऐसा नहीं कि वो 10-11 बजे तक सोते रहते थे, नहीं, सुबह उठ के वो मेहनत करते थे, बहुत 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 परिश्रम करते थे। उनका जो ब्रेन था वो बहुत ही सुपर नेचुरली, मतलब एक्सीलेंट था, वो जीनियस थे एक प्रकार के। स्वामी विवेकानंद तो एक दो गिने चुने लोग हैं, वहाँ तो हर लोग ब्रेनी थे, हर लोग में फंक्शनिंग ब्रेन था। और आजकल देखो हमारे युग के बच्चे लोग, हमारे युग के लड़के और इंसान लोग कैसे देखो कामना वासना के पीछे भागते हैं, अपना जो इंटेलिजेंस है वो ख़त्म करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर लेते हैं गलत गलत चीज़ें और सुबह देर से उठते हैं, तो फिर उनका ब्रेन और बुद्धि क्षय, बुद्धि खराब तो होना ही है। ऑलराइट, अब बताता हूँ मैं आपको बेनिफिट्स इसके। जैसे ही आप एक हफ्ता 7 डेज जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो मॉर्निंग के आपके 5 बजे, 4:30 बजे या फिर 4:45 ऐसे मुहूर्त में जब आप उठते हो, आप देखना, आप जब उठते हो आपका ब्रेन जो है वो अपने आप पॉजिटिविटी में आता है। मतलब आप गलत सोचने नहीं लगते हो, क्योंकि वो बेला, वो टाइम ही ऐसा है कि आपके ब्रेन में नेगेटिविटी आएगी नहीं। आपकी वृत्ति जो है, आपकी मतलब हैबिट जो है, आपका जो नेचर कैरेक्टर है वो अपने आप अच्छा बनते जाएगा। आप कुछ और ही लेवल पे सोचते हो, आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। सुबह उठने पर आपको गंदी गंदी चीज़ें नहीं आएंगी ब्रेन में, आपको आएंगी कि अब मैं आगे। फर्स्ट चीज़ है कि आध्यात्मिक लेवल बढ़ता है आपका, फर्स्ट बेनिफिट। मेन बात है, आप जब सुबह उठते हो तो योगा अवश्य किया करो। योगा जब करोगे आप, तो योगा करने पे क्या होता है, आपका जो माइंड बॉडी एंड सोल है वो ब्रह्म मुहूर्त में एक जगह टिकेगा। एक जगह टिक के आप सोच पाओगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, मतलब मैं अब क्या करूँगा, मेरा आगे का लाइफ में कैसे जीऊँ, मैं अपने लाइफ में चेंजेस क्या लाऊँ, वो सोचते हो आप। ठीक है, आपके लाइफ में कोई मतलब नेगेटिवनेस नहीं रहते, आप पॉजिटिव ही सोचते हो उस समय। ठीक है, आपका आध्यात्मिक लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, आप योग करते हो, आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, आपको पता चलता है कि यस, दिस इज द थिंग दैट आई एम डूइंग, दैट आई वाज डूइंग, ये बहुत ही गलत था जो भी मैं कर रहा था, अब जो कर रहा हूँ ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप भगवान के साथ कनेक्ट होने लगते हो, आपके मन में मंत्र चैंटिंग की चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से समझते हो कि व्हाट इज ब्रह्मचर्य, व्हाट इज सेलिबेसी। ठीक है, अपना रिटेंशन करते हो, आप रिटेन करते हो, और ब्रेन में जब पहुंचता है आप जीनियस बनते हो, और जो आसपास की दुनिया है आप उसको पॉजिटिविटी देखते हो, आप उसका जो परसेप्शन है देखने का वो सही बन जाता है आपका। ऑलराइट, उसके बाद है सेकंड नंबर पे बुद्धि बढ़ती है आपकी। ठीक है, आपकी जो ब्रेन की जो लेवल है आप अलग ही लेवल पे ऑपरेट करते हो, आपको कोई भी सिचुएशन दिया जाए आप उसको कोप अप करने में रेडी रहते हो, क्योंकि आप सीमेन रिटेंशन कर रहे हो, आप अध्यात्म लेवल बढ़ा है आपका, आप सुबह उठ रहे हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगी, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है तो आपको कोई भी काम दिया जाए तो जीनियस के हिसाब से आप उस काम को करोगे। ऐसा नहीं कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, बुद्धि नहीं लग रही मेरी इसमें, मेरा इसमें मन नहीं लग रहा, नहीं, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आप उस चीज़ को करोगे भी काम को। ठीक है, थर्ड नंबर पे है कि आप काम करना चालू करोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, मैं ये करूँगा ही, मुझसे होगा ही, आई कैन डू इट, आई विल डू इट।
तो आपके ब्रेन में ये चलता रहेगा इन टाइम, ठीक है, ये चीज़ आपके ब्रेन में चलता ही रहेगा, तो ये बेनिफिट है। फोर्थ है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। जैसे मैंने सेकंड नंबर पे बोला कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे, ठीक है, स्पेशली गायत्री मंत्र चैंटिंग और महा और शिव शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र है उस पर मैंने वीडियोज़ भी दिया है, आप जाके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में है देख लेना, यहाँ पे बहुत फेमस वीडियो है मेरे चैनल का, आपने देखा होगा उसको, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र की चैंटिंग, वो जब आप करते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 7 डेज सर रियल पैरानॉर्मली मतलब अनरियल हो जाता है वो, ठीक है। आप फ्यूचर को जज कर सकते हो, या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास करो मेरे साथ हुआ, आप इमीडिएट फ्यूचर बोल सकते हो कि अगले 5 मिनट में क्या हो सकता है। बात ऐसा है, आपका जो आज्ञा चक्र है वो डेवलप होने लगता है, तो पीनल ग्लैंड जो है आपका वो सक्रिय होता है, एक्टिवेट होने लगता है, तो आप कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट है, एनर्जी बढ़ेगी आपकी, एनर्जी कोई भी काम को कोई भी चीज़ को बोलने में करने में एवरीथिंग में एनर्जी बढ़ेगी आपकी, आपकी एनर्जी जो नीचे से ऊपर जा रही है योग के थ्रू, और जो सीमन का जो फ्लो है ऊपर जा रही है, उसके मतलब जो प्रभाव जो ऊपर जा रहा है उसके चलते आप कोई भी काम कर लोगे। ऐसा कोई भी काम नहीं इस पृथ्वी में जो आप नहीं कर सकोगे, मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ उठाना है आपको हनुमान जी की तरफ, वो नहीं, वो तो आप नहीं सकोगे, आप ह्यूमन हो ऑब्वियसली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको कठिन लगता है करने में आप उसको आसानी से कर लोगे, या फिर ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा ये चीज़, आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कर लोगे, आप एनर्जेटिक बनोगे, इसका परिणाम ये है कि आप एनर्जेटिक बनोगे तभी आप काम वो करते हो। ऑलराइट, तो ये 5 मेन जो मैंने फील की है मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मैंने गायत्री मंत्र की चैंटिंग की है मेरे साथ हुई है, वैसे तो करोड़ों बेनिफिट्स हैं इसके, करोड़ों, मैं बता रहा हूँ ना, करोड़, मैं इस एक वीडियो में उसको नहीं बोल सकता, इस 5-6 मिनट 7 मिनट के वीडियो में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो उठो, उठ के एटलीस्ट ध्यान करो भगवान का, आप जाप नहीं करते हो मंत्र कोई बात नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, बट बस ध्यान करो भगवान को, एक बार बोलो कि मेरा ज़िंदगी सही हो जाए, मेरा जो लाइफ है वो सही हो जाए और मैं आगे बहुत तरक्की करूँ, बस इतना बोल के आप लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपना ज़िंदगी अपना जो दिनचर्या है वो आगे बढ़ाओ, डेली लाइफ मैं बता रहा हूँ, इतना पॉजिटिवनेस आपके ब्रेन में आएगा ना, आपके लाइफ में आप मतलब बिल्कुल चेंज हो जाओगे, और आपका माइंड और हैप्पी रहेगा आपका पूरा दिन, और आप भी खुद भी, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ तक आपने देखा 8 मिनट का वीडियो बन चुका है, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आपके पास बहुत पेशेंस है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। 2000 सब्सक्राइबर्स पहुंच चुका है, इसके लिए वेरी मच थैंक यू, आप लोगों के प्यार से ही बड़ा है ये सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मेरे चैनल को आगे देखते रहना, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, हरे कृष्णा।